महाराज रघु का दान। महाराज रघु अयोध्या के सम्राट थे। वे भगवान श्री राम के प्रतिमा हम थे। उनके नाम से ही उनके वंश के अक्षत्रिय रघुवंशी कहे जाते हैं। एक बार महाराज रघु ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। जब यज्ञ पूरा हो गया तब महाराज ने ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को अपना सब दान धन दान कर दिया। महाराज इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने आभूषण सुंदर वस्त्र और सब बर्तन तक दान कर दिए। महाराज के पास साधारण वस्त्र रह गए। वे मिट्टी के बर्तनों से काम चलाने लगे। यज्ञ में जब महाराज रघु सर्वस्व दान कर चुके तब उनके पास वर्तुंत ऋषि के शिष्य कौतस नाम के एक ब्राह्मण कुमार आए। महाराज ने उनको प्रणाम किया, आसन पर बैठाया और मिट्टी के गड़वे से उनके पैर धोए। स्वागत सत्कार को जाने पर महाराज ने पूछा, आप मेरे पास कैसे पधारे हो हैं, मैं क्या सेवा करूं? कौतस ने कहा, महाराज मैं आया तो किसी काम से ही था, किंतु आपने तो सर्वस्व दान कर दिया है। मैं आप जैसे महादानी उद्धार पुरुष को संकोच में नहीं डालूंगा। महाराज रघु ने नम्रता से प्रार्थना की, आप अपने आने का उद्देश्य तो बता दें। कौतस ने बताया कि उनका अध्ययन पूरा हो गया है। अपने गुरुदेव के आश्रम से घर जाने से पहले गुरुदेव से उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने उन्हें बड़े स्नेह से कहा, बेटा तूने कहाँ यहाँ रहकर जो मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी गुरु दक्षिणा तो हो ही गई, तू संकोच मत कर, प्रसन्नता से घर जा। लेकिन कौतस ने जब गुरु दक्षिणा देने का हट कर लिया तब गुरुदेव को कुछ क्रोध आ गया। वे बोले, तूने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी हैं, अंत है प्रत्येक विद्या के लिए 1 करोड़ सोने की मोहरे ला कर दे। गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने की मोहरे लेने कौतस अयोध्या आए थे। महाराज ने कौतस की बात सुनकर कहा, जैसे आपने यहाँ तक आने की कृपा की है वैसे ही मुझ पर थोड़ी सी कृपा का और करें। 3 दिन तक आप मेरी अग्निशाला में ठहरे। रघु के यहाँ से एक ब्राह्मण कुमार निराश लौट जाए यह तो बड़ी दुख एवं कलंक की बात है। मैं 3 दिन में आपकी गुरु दक्षिणा का कोई न कोई प्रबंध अवश्य कर दूंगा। कौतस ने अयोध्या में रुकना स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपनी मंत्री को बुलाकर कहा, यज्ञ में सभी समांत नरेश कर दे चुके हैं, उनसे दोबारा कर लेना न्याय नहीं है। लेकिन कुबरे जी ने मुझे कभी एक कर नहीं दिया, वे देवता हैं तो क्या हुआ, कलाश पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को उन्हें कर देना चाहिए। मेरे सब अस्त्र शस्त्र मेरे रथ में रखवा दो, मैं कल सवेरे कुबरे पर चढ़ाई करूंगा। आज रात को मैं उसी रथ में सोऊंगा। जब तक ब्राह्मण कुमार को गुरु दक्षिणा न मिले मैं राजमहल में पैर नहीं रख सकता। उस रात महाराज रघु रथ में ही सोए। लेकिन बड़े सवेरे उनका कोषाध्यक्ष उनके पास दौड़ा आया और कहने लगा, महाराज खजाने का घर सोने की मोहरों से ऊपर तक भरा पड़ा है, रात में उसमें मोहरों की वर्षा हुई है। महाराज समझ गए कि कुबरे जी ने ही यह मोहरों की वर्षा की है। महाराज ने सब मोहरों का ढेर लगवा दिया और एक कौतस से बोले, आप इस धन को ले जाइए। कौतस ने कहा, मुझे तो गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ मोहरे चाहिए, उससे अधिक एक मोहर भी मैं नहीं लूँगा। महाराज ने कहा, लेकिन यह धन आपके लिए आया है, ब्राह्मण का धन है, हम अपने यहाँ नहीं रख सकते, आपको ही यह सब लेना पड़ेगा। कौतस ने बड़ी दृढ़ता से कहा, महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, धन का मुझे करना क्या है, आप इसका चाहे जो करें, मैं तो एक मोहर अधिक नहीं लूँगा। कौतस 14 करोड़ मोहरे लेकर चले गए। शेष मोहरे महाराज रघु ने दूसरे ब्राह्मणों को दान कर दी। धन्यवाद।